कैसा चल रहा है नवरात्रि का तीसरा तीसरे दिन का उपवास आपका? आपको लगता होगा कि गंगा एक सुपरस्टार है, फैशनिस्टा है, बेस्ट एक्ट्रेस है, सन्यासी बन जाती है, योगी बन जाती है, मतलब व्हाई इज दैट? वेल, मुझे भी अजीब लगता है कि आप लोगों को ये अजीब लगता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जिंदगी का मकसद सिर्फ पैसा कमाना है या जितना हो सके उतना कुछ करके जाना है। कहीं ना कहीं हम लोगों की ना जो वेस्टर्न थिंकिंग है, कैपिटलिज्म ने इतना ज़्यादा हमारे दिमाग में ठूस दिया है कि पैसा कमाओ पैसा कमाओ, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। तो आज कहाँ है वो सब लोग? अपने घरों में छुप के बैठे हुए हैं, कह रहे हैं कि जितना पैसा है ले लो, हमारे घर ले लो, बस हमें कोरोना से बचा दो, बस हमें ज़िंदगी चाहिए। तो जब ज़िंदगी इतनी इंपॉर्टेंट है, और सीधी सी बात, अभी आपको तीन चार चीज़ें समझ आ रही है कि ज़िंदगी आपका काम नहीं है, ज़िंदगी आपका सोशल मीडिया प्रोफाइल्स नहीं है, आपका सोशल स्टेटस नहीं है, ज़िंदगी आपका रिलेशनशिप्स भी नहीं है, क्योंकि अभी आप रिलेशनशिप्स वालों को मिल भी नहीं सकते। तो फिर ज़िंदगी है क्या? ज़िंदगी सिर्फ ज़िंदगी है। तो बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, मगर मैंने जो मनाली का अपना घर बनाया है, मैं कुछ भी कर सकती थी इन पैसों से, ये स्पेसिफिकली मैंने साधना के लिए ही बनाया। मैंने आज तक किसी को नहीं कहा, क्योंकि मुझे पता है सोशल मीडिया पे किस तरह के चतुर लोग होते हैं और किस तरह से तंज कसे जाएंगे और किस तरह से मुझे मेरा मुखौल बनाया जाएगा, इसलिए मैंने कभी कहा नहीं। मगर अब जब सब दुबक के अपने घरों में बैठे हैं तो मैंने कहा व्हाई नॉट शेयर इट। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि साधना या योग ये सिर्फ योगियों के लिए है या सन्यासियों के लिए है। मुझे सफल होना बहुत अच्छा लगता है, मुझे ज़िंदगी में जो मैं हूँ वो बन के बहुत मज़ा आता है, फैशन करना बहुत अच्छा लगता है, मुझे पैसे कमाना बहुत अच्छा लगता है, ज़िंदगी के मज़े मज़े लूटना बहुत अच्छा लगता है। मगर मैं ये नहीं चाहती कि ज़िंदगी मुझे लूट जाए, मैं ये नहीं चाहती कि एक्टिंग मुझे निचोड़ दे, मैं ये नहीं चाहती कि मैं ज़िंदगी का इस्तेमाल ना करके ये दुनिया मुझे इस्तेमाल कर जाए। इसीलिए मैं साधना में जाती हूँ, और इसीलिए हमारी संस्कृति में, हमारी सभ्यता में, जिससे अब हमें बिल्कुल जो है वेस्ट ने बिल्कुल अलग कर दिया है। मगर वेस्ट में अगर आप देखें तो हम लोगों को तो जो भी है रेसिज्म के करके वो लोग डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, मगर जब भी उनका खुद का मतलब आता है तो बड़े इजीली वो, चाहे वो योगानंदा हो या महर्षि महेश योगी हो या वो विवेकानंदा हो या वो सदगुरु हो, उनके पैरों में गिर जाते हैं। ये हमारे सबसे ज़्यादा जो प्रोफाउंड योगीज हैं, बाबा नीम करौली, आप देख लीजिए, जूलिया रॉबर्ट से, मडोना से, बीटल्स से, स्टीव जॉब्स से, मतलब हर एक के गुरु हैं। ऐसा क्यों होता है कि सबसे बेस्ट डॉक्टर्स को, टीचर्स को, मेरे जो मुझे जो बचपन में योगा सिखाते थे उनको भी अमेरिका से इतने, उनको पता होता है कि कौन सबसे बेस्ट है, बड़ी आसानी से ले जाते हैं। हमारी सभ्यता के वैदिक डाइट को बड़े इजीली इंटरमिटेंट बना दिया है, बहुत ही जो भी जितने भी हम लोगों की चीज़ें हैं बड़ा सजा सवार के वेस्टर्नाइज करके हमको दे देते हैं। मगर क्या हम वो सोचेंगे जो वो चाहते हैं हमें सोचना? क्या हम उनकी इम्प्लांट की हुई बातों को ही अपने दिमाग में डेवलप करेंगे और उनकी सोच रखेंगे? क्या हम खुद, मैं ये नहीं कहती कि आप फॉलो मत करो, करो ना फॉलो। मैंने आपको बताया ना कि जो भी मोस्ट सक्सेसफुल पीपल हैं सब लोग तो फॉलो कर रहे हैं, योग की साधना से वो सक्सेसफुल हुए हैं। सो एनी वे, कटिंग लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, साधना के क्या महत्व है और साधना क्यों सबके लिए ज़रूरी होती है? आप, मैं कह रही हूँ, आप किसी धर्म को नहीं मानते हैं, अब सिंपल लॉजिक, अगर आप में बिल्कुल भी सिंपल लॉजिक है, तो जब आप ब्रीद इन करते हैं आपको ब्रीद आउट करना ही पड़ता है, जब आप खाना खाते हैं तो आपको एक्सक्रीट करना ही पड़ता है, जब आप जगते हैं तो आपको सोना पड़ता ही है, चाहे चाहे नहीं चाहे। ऐसा थोड़ा ना है कि मैं नहीं सोना चाहूँगी तो मैं तो कहीं भी पास आउट हो जाऊँगी दो चार दिन बाद, वो एक ज़रूरी है। तो इसी तरह जब हमारी कार्मिक ट्रांजिशंस होती हैं इस वर्ल्ड में, तो हमें उसको स्टेप बैक भी करना पड़ता है। मैं ये नहीं कहती कि मैं जितना मुझे चाहिए उतनी साधना कर पाती हूँ, मगर फिर भी जब जब मुझे मौका मिलता है मैं कोशिश करती हूँ कि मैं करूँ। और पुराने ज़माने में 14-15 साल के बच्चों को गुरुकुल भेज दिया जाता था, और चाहे वो राजा के हो, चाहे वो किसान के बच्चे हो, चाहे वो पंडितों के बच्चे हो, सब ज़मीन पे सोते थे, कृषि करते थे, बारिशों में गुरु की सेवा करते थे, मैथमेटिक्स सीखते थे, साइंस सीखते थे, म्यूज़िक सीखते थे, अच्छे 10-15 साल संन्यास लेके, योग लेके, उसके बाद छोटे छोटे जैसे हमारे एकादशी हो गया या हमारे क्या कहते हैं नवरात्रि हो गया, ये छोटे छोटे सेगमेंट्स से उसको रिफ्रेश करने के। तो अब क्या हमारी संस्कृति में चीज़ें ही नहीं है? छोटे छोटे बच्चों ने इंस्टाग्राम अकाउंट बना के रखे हुए हैं, उन लोगों को अभी से फॉलोअर्स चाहिए, तपस्या का तो कोई मतलब कोई प्लेस ही नहीं
ही रह गया है अभी, राइट नाउ आई वॉन्ट टू लिव माई लाइफ, हाउ विल यू लिव योर लाइफ, यू हैव नो फ्यूल टू बर्न, वो गाड़ी क्या चल सकती है जिसमें कोई फ्यूल ही नहीं है. सो वेल आई थिंक कि हम लोगों को अलॉन्ग विद लिविंग लाइफ किंग साइज वी शुड ऑल्सो लर्न टू बी वर्दी ऑफ वट वी वॉन्ट. What say?